टाउन ऑफ पश्मीना, इसमें दिल की गहराइयों से पूरी बसोली की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इसमें चाहे पंचायतें हैं, म्यूनसिपल है या पीआरआईज हैं, हम सब आपकी इस बात के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं कि यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम इस छोटे से टाउन को, जिसको आज तक इग्नोरेंस का हब बनाया हुआ था। इसमें कोई दुराय नहीं है और मेरे साथ सब इस बात में रखेंगे कि यस, बसोली वॉज इग्नोर्ड, लेकिन आप जब से आए हैं और आपका स्टाफ डे टू डे बेसिस पे जितनी हेल्प हमारी कर रहा है शायद आज तक नहीं। इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं ये बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, मैं खुले मंच में कहता हूँ। योर गवर्नेंस एंड योर कोलीग्स आर हेल्पिंग अस विद फुल सपोर्ट। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनका मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपना अपनी राय है। मेरे दो कंसर्न हैं जो मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा। ट्रैफिक इज द मेजर इशू जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, चाहे पलाय रोड है चाहे कॉलेज रोड है। यंगस्टर्स आज हर बंदे हर पीआरआई बात कर रहे हैं नशे की, लेकिन उनको कोई भी ना उनके पेरेंट्स उनको रोक रहे हैं ना हम उनको रोक रहे हैं, और मैंने भी कोई अभी तक पहल नहीं की है। उनको जो उन्होंने अपने मोबाइल मोटरसाइकिलों से जो जालियां निकाली हुई हैं और द साउंड दे आर मेकिंग, वो न्यूसेंस बने हुए हैं। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मैं ये आपसे, क्योंकि सारे पीआरआई कह रहे हैं, ये आप सबसे वादा भी चाहूंगा कि आप कोई भी पुलिस को फोन नहीं करेंगे कि ये हमारा भांजा है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, इसको जाने दो। जो गलत है वो गलत है। अगर उसने मोटरसाइकिल से वो जाली निकाली है और वो पटाखे जो तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि इरा बदल रही है, कुछ लोग बुजुर्गी में जा रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जो बुजुर्गी में है वो इतनी साउंड नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसमें हमारी जिम्मेवारी भी है और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इस रिलेटेड किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में फोन नहीं मारेगा। हाँ, कोई ऐसी गलत हो रही है तो हम इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज है। दूसरी बात, आज आप आए, आज रोड ऐसा लग रहा है कि मन कर रहा है इस पर बिस्तरा डाल के सोया जाए, लेकिन ये क्यों नहीं डेली। ये ट्रैफिक वाकई ही बहुत बड़ी परेशानी, इस ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना है। अब हमें पता है कि जब स्टाफ आएगा, जब आप देंगे स्टाफ, देन वी विल सी, लेकिन अभी थोड़े में हमने ज्यादा कैसे करना है उसके लिए वर्कआउट करने की जरूरत है। ट्रैफिक को, अगर इवन मेरे पास अगर गाड़ी रखने की जगह नहीं है तो मेरे पास गाड़ी खरीदने की भी परमिशन नहीं होनी चाहिए, और अगर मैंने गाड़ी लाई है तो पहले मैं उसकी पार्किंग का अरेंजमेंट करूं फिर मैं गाड़ी ला के। ये नहीं कि मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं लोगों को, मैं अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए 20 लाख की गाड़ी खड़ी कर दूं लेकिन लगा दूं उसको रोड पे। रात को आए आप, 9 बजे आए, 10 बजे आए, पूरा का पूरा तहसील रोड जो होता है टिल यहाँ से अपने पेंटिंग सेंटर से लेके रेस्ट हाउस के नीचे तक भरा रहता है, आपको गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं मिलेगी। यही मेरे छोटे दो कंसर्न थे। और एक छोटी सी रामायण की बात आपसे करता हूँ क्योंकि मैं अपना समय पूरा कर रहा हूँ। मेरी दो ही कंसर्न थे, वो बता दिए। जैसे जो इवेंट्स आज एसएसपी साहब की निर्देश द्वारा ये अरेंज हुए हैं, ये एक उपनिषद है। इन उपनिषदों को क्यों कहा गया है शास्त्रों में, पंडित आदमी शास्त्र थोड़ी बोली लूंगा, क्योंकि शास्त्रों में उपनिषद इसलिए बोला जाता है, जब ये समाज बदल रहा था और रामायण का युग खत्म हो रहा था तो ऋषि मुनियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई कि ये आगे उपनिषद चला, आगे ये हमारा शास्त्र चलाएगा कौन। तो उस टाइम ऋषियों ने इसका एक हल निकाला, तो उन्होंने सारी कम्युनिटी को बुलाया, ऑल द कम्युनिटीज, कि भाई अब बताया जाए कि आगे के शास्त्र कैसे पढ़ाए जाएंगे। तो जिसने चारों वेद सीखे वो चतुर्वेदी बन गए, उनको कंठस्थ कराना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। जिसने तीन वेद सीखे वो त्रिवेदी बन गया, जिसने दो वेद सीखे वो द्विवेदी बन गया, और जो सारा ज्ञान ले पाए कि चारों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया, उनको उन्होंने उपनिषद बोला गया। तो ये जो इवेंट्स हैं ये उपनिषदों की रचना की जाती है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कीमती समय है, मेरी दुकानदारी बंद हो रही है, मैंने कौन सा एसएसपी से काम लेना है, मैंने कौन सा डीएसपी को खुश कर रहा है, मैंने कौन सा एसएचओ से काम लेना है, मैंने कौन सा क्रिमिनल बनना है। नहीं, ये इवेंट्स हम लोगों के लिए है, हमारी जिम्मेवारी है और हमें बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेना चाहिए। यही मेरा मसला, मैंने म्यूनसिपल का जो हुआ था उसमें भी अपने पूरे निवासियों से ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉल लगा हुआ, इतना बड़ा इवेंट, लेकिन वहां पे पब्लिक नहीं। लेकिन आज कम से कम क्रेडिट गोज टू यू, कम से कम बंदे देखने को तो हैं, यहाँ तो बंदे नहीं हो रहे थे, 10-15 बंदे वो भी। तो ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, इट इज नॉट कि भाई किसी के लिए हम आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं। सदानंद जी, आज 15 बंदे फोन किया, 15 बंदे अपने से एक लेके आए, मेरे सिर्फ एहसान है। लेकिन ये विशाल को मैंने फोन किया, चौनकल को फोन किया, मतलब अपने अपने साथ मिला, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारी दुकानदारी में कोई फर्क नहीं पड़ना
आज भी वही दुकानदार हो जाएगी, आज नहीं होगी कल हो जाएगी, लेकिन जो गेस्ट हमारे लिए आया है शायद कुछ अपनी पोटली में लेके आया, और वो लेने वाला मुंशी प्रेमचंद की एक कविता है, देने वाला दाता हर द्वार पे खड़ा है, लेने वाली कमी जो है उन हाथों की है। तो हाथ हम कम हैं, हमें सबको आज से ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए, हम सब भी जब भी कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का कोई इवेंट हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी बात भी रखें। ये दो बातों से मैं अपना पूर्ण विराम करूंगा, धन्यवाद सर। ट्रैफिक के मसले में एक्चुअली ये जो यहाँ पे ट्रैफिक का इशू है, यहाँ पे लोग हमारे पास आते हैं बड़े बार, हम कई बार मना करते हैं, बोलते हैं हम टैक्सी चलाते हैं, हम कहाँ गाड़ी लगाएंगे, बड़ा इशू लोगों की फिर रोजी रोटी पे आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे लगी होती है नफरी, जैसे ये बोलते हैं रामलीला ग्राउंड में, फिर लोगों की शाम को जब गाड़ियाँ आती हैं वो कहाँ लगाएंगे, वो बड़ा इशू हो जाता है। नेक्स्ट मैं शिपादा जी से बोलूंगा, समय की कमी के कारण थोड़ा शॉर्ट करें।